सब हो, आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना मंथली जो ग्रॉसरी आइटम है वो शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग मतलब क्या क्या यूज करते हैं, किस कंपनी का यूज करते हैं वगैरह वगैरह। तो अभी फिलहाल मैं कल मैं डीमार्ट गई थी तो बस उसी का हॉल मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या क्या आइटम रखा है। वैसे आप लोगों को देख के बिलीव नहीं होगा क्योंकि घर में सिर्फ दो लोग हैं और दो लोगों का इतना आइटम है। इसके अलावा भी कुछ आइटम बाकी है, ज़रूर नहीं है कि पूरा आइटम हो क्योंकि दूर से लाने में यार प्रॉब्लम होती है। तो पहले मैं आपको अपना आइटम दिखाती हूँ कितना आइटम है। देखो ये एक बैग रखा हुआ है और ये पूरा कार्टून, ये देखो ये जो पूरा कार्टून है ये फिल है और कुछ ये बाहर रखा हुआ है, नहीं बना था क्योंकि हम लोग दो बैग लेके गए थे। ठीक है, और आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ग्रॉसरी आइटम आप लोगों को दिखाना। तो सबसे पहले मैं अपना जो स्टैंड है उसको रख देती हूँ। ओपन आइटम रखा हुआ है तो मैं पहले आप लोगों को इसी को दिखाती हूँ। ये देखो सबसे पहले ये है कस्तूरी मेथी। आप लोगों को पता होगा कस्तूरी मेथी काफ़ी अच्छी होती है, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। और इसका सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपके घर में बाई चांस धना हरे धना अवेलेबल नहीं है तो आप इसको डाल सकते हो। सब्जी दिखने में भी अच्छी लगेगी और यार बिलीव मी टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है इसका। तो मेरा फर्स्ट आइटम ये है। अभी ये साइड आपको मैं साइड में रखती जाती हूँ। और ये है मेरा सामान मसाला, ये देखो सामान मसाला है, काफ़ी बड़ी बड़ी पैकेट लिए हैं। और यार एक आपको बात बता दूँ, काफ़ी आइटम हो गया, जरा जरा से छोटी छोटी चीज़ों से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितने, मतलब 5000 का भी ये समझ लो बिल नहीं है, 5000 से ऊपर का है। हम लोग जो कैश लेके गए थे वो कैश इतना नहीं लेके गए थे पर जो बिल है वो हमारा काफ़ी बना था तो फिर फोन पे किया था हम लोगों ने। और इसमें ये कुछ चीज़ें मैंने यूज भी की हैं, जैसे ये देखो ये रवा है, अभी मैंने इसे खोल लिया था तो फिर इस पैकेट में रख दिया नहीं तो सही रहेगा। और ये अंजीर है, ये देखो, और ये अंजीर में हमें मार्केट में यहाँ डी मार्ट में 100 रुपीज़ की छूट मिली है। इसकी मार्केट प्राइस है 375, मतलब 375 रुपये। और ये डी मार्ट में हमें अवेलेबल हुआ है 275 में, मतलब टोटली सीधा सीधा हमको 100 रुपये की इसमें बचत हुई है। ये अंजीर ये हमारा थर्ड आइटम। और ये हमारा आशीर्वाद कंपनी का धनिया पाउडर है, ये देखो कोरिएंडर पाउडर बोलते हैं। और ये है बासमती राइस जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, 1 kg है हमारे, 1 महीने तो खैर नहीं, 2 महीने तो कट ही जाएंगे। ये देखो ये 1 kg काबुली चने हैं। डी मार्ट हो या जियो मार्ट हो, इन सबकी सबसे अच्छी बात ये रहती है कि आपको प्राइस कम मिलती है उसके साथ साथ क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। खासकर जो आपकी लोकल मार्केट है ना उनसे तो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। लोकल मार्केट में आपको जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा रुपए में, मेरे ख्याल से तो यार ज़्यादा रुपये में अवेलेबल होती है। मैं आपको साइड में रख के दिखाती हूँ, इससे आपको समझ में आए इतना आइटम है। और ये देखो ये अरहर की दाल है, और ये 1 kg चीनी है, ये देखो। की बुराई नहीं करिए पर मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जॉनसन बेबी की कंपेयर हिमालय की जो है वो काफ़ी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात है आई थिंक ये इंडिया की है, आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं इसके नाम से बता रही हूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। और इसकी रेट है 300 रुपये और ये वहाँ हमें प्राइस में मिली है 200 रुपये में, मतलब इसमें भी सीधे सीधे हमें 100 रुपये की बचत हुई है। और इसके बाद है ये राजमा, देखो 1/2 kg राजमा काफ़ी है, काफ़ी टाइम के लिए जाते हैं। उसके बाद ये ली है देखो मैदा, 1 kg मैदा है क्योंकि मैदा का थोड़ा ज़्यादा यूज होता है हमारे घर पर। और ये 1 kg की है, 41 रुपीज़ की, और आई थिंक डी मार्ट में ये हमें अवेलेबल हुई है 35 रुपीज़ में, और क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी होती है। ये देखो ये इलायची है,
ये काली मिर्च की पैकेट, ब्लैक पेपर और ये चाट मसाला है। सामर मसाला मैं आपको दिखा चुकी, अब ये चाट मसाला है। ये है हमारा चिली पाउडर, मतलब लाल मिर्च पाउडर, और ये है माउथ फ्रेशनर। ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये माउथ फ्रेशनर है, और ये सौंफ है, ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये यूजुअल चीज़ है, ये सौंफ है देखो। और अगेन ये हमारा छोला मसाला है, हमारे घर पे छोले भटूरे मोस्टली बनते रहते हैं, तो बस छोले मसाला काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। और ये सेंसोडाइन का टूथपेस्ट है, ये देखो। और ये हमारी रेड लेवल नेचुरल केयर चाय है, चाय पत्ती है, ये है 250 ग्राम की, 250 ग्राम। और अभी ये है हमारे सर्फ एक्सेल दो पैकेट, यानी कि 40 में 8 है, तो अभी हम 2 महीने के लिए कम से कम फ्री हो गए हैं आइटम से। और अगेन ये बिरयानी मसाला है, ये देखो बिरयानी मसाला। और ये है वे बर्तन धोने के साबुन, 3 साबुन काफ़ी होते हैं। वैसे सच्ची बताऊँ ना यार, और सामान ले लेती पर वजन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, इसलिए इतना सामान काफ़ी है। वैसे इसमें भी काफ़ी वजन हो गया था, मुझे काफ़ी डांट सुननी पड़ी थी इनकी, क्योंकि वहाँ से यहाँ लाने में प्रॉब्लम हो जाती है। और ये 4 सेंसोडाइन के ब्रश हैं, हम लोगों को 2 की ज़रूरत थी, एक मेरे लिए एक इनके लिए, पर क्योंकि वहाँ 2 नहीं थे, पूरे 4 थे, और इसमें अभी 65 रुपये ऑफ चल रहा था, तो ये हमें नॉर्मल रेट में पड़ गया, तो इसलिए हम लोगों ने फिर 4 ही ले लिए। वैसे भी 6 महीने में तो आपको ब्रश होते हैं, उनको रिटायर करना होता है, तो बस इसीलिए लेके रख लिया यार। जब हम शॉपिंग मॉल करना चाहते हैं तो बस कहीं ना कहीं हम लोगों से भी गलती होती है, जो आइटम हमें नहीं चाहिए होता है ना, एक साथ आपको बहुत सारा आइटम दिखाई देता है, तो हम लोग कुछ ना कुछ आइटम एक्स्ट्रा रख ही लेते हैं। हम नॉर्मल मार्केट से वही लेते हैं जो हमें ज़रूरत होती है, पर जब हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, डीमार्ट में जाते हैं, बिग बाज़ार में जाते हैं, तो हम सस्ते के चक्कर में, थोड़ी उसके चक्कर में थोड़ा आइटम तो एक्स्ट्रा कर ही लेते हैं, जो कि हमारा बिल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये है मेडिमिक्स के 2 साबुन जिनको ये यूज करते हैं। और ये है मेरा भृंगराज का मुल्तानी मिट्टी और पपाया फेस पैक जो फिनिश हो गया था, इसमें 10 रुपीज़ की छूट है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ये देखो इसमें एलोवेरा मॉइस्चराइजर फ्री है, जो कि हम लोग नहीं लेके आए क्योंकि हम लोग को नहीं पता था। ये है मेरा एवरयूथ का स्क्रब, अभी रखा है पर फिर भी मैं ले आई थी, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या मार्केट जाऊँ। ये हार्पिक है, अभी ये है हमारे चने, जो छोटे वाले नॉर्मल चने होते हैं, वो स्मॉल चने 500 ग्राम, मतलब 1/2 kg। और अगेन ये 2 पैकेट अंजीर की थी, मैंने पहले दिखाई थी और ये अभी दिखाई थी। ये है हमारी सेब भाजी, छोटे वाले सेब की छोटी सी पैकेट, छोटी सी। और ये है टेस्टी नट्स, मतलब जो मूंगफली होती है ना मिर्ची वाली, काफ़ी टेस्टी होती है यार, ये देखो। और ये है चॉकलेट की पैकेट, किसमी टॉफी, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, बचपन में खाई थी, पैकेट डाल दिया, कोई नहीं, इनको भी अच्छी लगती है, इन्होंने ही डाला है। और ये है बादाम की 1 kg, हाँ ये बादाम की 1 kg की पैकेट है, काफ़ी कॉस्टली है यार, 8.99 यही पैकेट है, और आप अंदाज लगा लो बिल तो कैसे होना ही है ना इतना ज़्यादा, तो ये देखो। और ये है कुरकुरे जो कि बिरयानी ने डाल लिए थे, ये है मेरी हींग की पैकेट, हींग की डब्बी सॉरी। अभी ये कार्टून हमारा खाली हुआ, इसको हम साइड में रखते हैं, अभी हम अपना बैग लेके आते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इसको करनॉल मार जो भी लिखा, हमारे यहाँ इसे लाई बोलते हैं, ये देखो आप देख सकते हैं, देखो जिसकी भेलपूड़ी बनती है ना, ये वही है। और ये गोल गोल बिस्कुट है, 2 बिस्कुट लाए थे, 1 बिस्कुट हम लोगों ने वहीं ओपन कर लिया था। और ये चॉकोपाई का डब्बा है, जो कि हमारे घर का सबका फेवरेट, और सबसे पहले इसे ही लिया गया था, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने डीमार्ट में एंटर किया, हम विधान को सबसे पहले यही दिख गया, तो विधान ने सबसे पहले इसी को रखा, तो ये हुआ। अभी ये है एक माजर, इसमें भी काफ़ी अच्छी छूट है, सीधे ये 110 की आती है, वहाँ आई थिंक ये 80 रुपीज़ की आई है, तो इसमें भी अच्छा प्रॉफिट है। हर आइटम में अच्छा प्रॉफिट नहीं है, कुछ आइटम में तो सिर्फ आपको 2 या 3 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता है, बस अंतर इतना है कि आपको लोकल मार्केट की वजह क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। और ये बोतल है यार, काफ़ी अच्छी की बोतल लगी, देखो आप लोग देख सकते हैं, कॉस्टली भी है थोड़ी नॉर्मल बोतलों से, पर इसकी जो क्वालिटी है ना सच में यार का, और थोड़ी दिखने में भी स्टाइलिश सी स्टैंडर्ड वाला लुक देती है ना, ये देखो ये आई है 399 की, मतलब 400 रुपये की आई है, ये देखो पास से दिखाती हूँ आपको, प्लास्टिक है पर ये देखो, मतलब प्लास्टिक
कास्टिक जरूर है, तो इसमें कोई भी, और इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इतना हीट में इसमें वाटर डालते हो तो इसका कुछ डैमेज नहीं होगा, पर अगर आप इससे ज़्यादा टेम्परेचर का वाटर इसमें भरते हो या कोई भी गर्म चीज़ भरते हो तब ये डैमेज होगी, नहीं तो ये डैमेज नहीं होगी। ये देखो तो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी यूजफुल है। इनका माल लेने मोस्टली जाना आना होता रहता है, तो दिखने में भी अच्छी है और कैरीबल भी है। देखो और ये हम लोग एक बेडशीट लेके आए, सिंगल बेड की बेडशीट है, ओढ़ने के लिए है। ये देखो अच्छी है ना, ये देखो पूरे में ऐसे ही डिजाइन है, काफी अच्छी है। इसकी रेट भी कम है, आई थिंक 150 की है, आपको लोकल मार्केट में मोस्टली 180-200 की तो मिलेगी, इससे 150 में तो मुझे नहीं लगता कि मिलेगी। और ये एकदम के लिए पीडिया श्योर है, ये यार काफ़ी कॉस्टली आता है, जो अदर्स ड्रिंक्स होती हैं उससे मोस्टली। अभी इसकी रेट है 565, मतलब 565, और ये हमें अवेलेबल हुआ है 465 में, मतलब इसमें भी हमें 100 रुपीज़ की प्रॉफिट हुई है। अभी लास्ट में ये है मेरे फेस सीक मास्क, ये आपको मार्केट में 100 रुपीज़ का वन आता है, यहाँ मुझे 80 रुपीज़ का वन लिखा वन है, और मैं थोड़ी सी गलती हो गई क्योंकि जो कोरियन वाले थे उनमें बाय वन गेट वन था, मतलब आपको 100 रुपीज़ में टू थे, और मैंने इनको रख लिया। कोई नहीं, काफ़ी अच्छे हैं, गोल्ड। तो ये देखो फाइनली ये था मेरा ग्रोसरी आइटम, आप देख सकते हैं, ये देखो